नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां अपने पति के इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खा रही बैकुंठपुर थाना अंतर्गत ग्राम सेमरा की रहने वाली एक युवती आज रीवा कलेक्ट्रेट पहुंची और ज्ञापन सौंपा। युवती पूजा पांडे ने अपनी पीड़ादायी जो दास्तान गुड मॉर्निंग टीवी को सुनाई, आइए देखिए। सर हम उनसे हेल्प चाहते हैं आर्थिक रूप से भी, क्योंकि हमारी आर्थिक हालत इतनी, मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते हैं तो हम उनसे आर्थिक हेल्प भी चाहते हैं, और जो हमें यहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला मेरे हस्बैंड को, उससे उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि यहाँ की लापरवाही, जिन हॉस्पिटलों ने लापरवाही की है, हम उनके लिए एक्शन भी चाहते हैं कि सर यहाँ उन हॉस्पिटलों के एक्शन लें। आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हमें आर्थिक रूप से मदद चाहिए, प्लस जो हमें जबलपुर हॉस्पिटल है, यहाँ संजय गांधी हॉस्पिटल में जो लापरवाही हुई है, उसके लिए हमें एक्शन भी लेना है। इसके द्वारा लापरवाही हुई है? डॉक्टरों द्वारा हुई है। और एक्चुअली मुझे नाम तो याद नहीं है, बट जब हम नोएडा से आए थे, मेरे हस्बैंड की तबीयत वहीं से ख़राब थी, तो हम वहाँ से गाड़ी करके डायरेक्ट जिला हॉस्पिटल पीछे आए, वहाँ कोविड के टेस्ट लिया गया। हमने वहाँ के डॉक्टर जो थे, स्टाफ थे, हमसे यही कहा कि मेरे हस्बैंड की कंडीशन सही नहीं है, उन्हें आप एडमिट करिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, आप क्वारंटाइन सेंटर जाइए, वहाँ डॉक्टर स्टाफ भी है, वहाँ आपको सारी हेल्प मिलेगी, वो ट्रीटमेंट भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें वहाँ एम्बुलेंस से ले जाया गया। जब वहाँ पहुँचे, वहाँ की कंडीशन भी इतनी ख़राब है कि जो स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार हो सकता है, और जब वहाँ हमें, मेरे हस्बैंड की कंडीशन तो सही नहीं थी, वहाँ हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। जब वहाँ हम पहुँचे तो डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ी। जब मैं डॉक्टर से मिलने गई तो एक्चुअली मुझे वहाँ पता नहीं था, डॉक्टर वहाँ काउंटर बना के लगा के रखा हुआ है कि उस काउंटर को कोई पार ना कर सके, मुझे पता नहीं था। मैं आगे निकल गई तो वहाँ के डॉक्टर जो स्टाफ था, उन्होंने मुझ पर चिल्लाया, बोले तुम यहाँ कैसे आ गई, उधर साइड से, बाहर साइड से। उन्होंने 100 मीटर की दूरी का दायरा बना रखा था, बोले वहीं से आप प्रॉब्लम बताइए अपनी। जो प्रॉब्लम हमने बताया कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, उन्होंने पूछा कि क्या कंडीशन है, उन्होंने बोला क्या बात है, जो हमने बताया कि बुखार है, फीवर है, खांसी वगैरह है, उन्होंने वही दूर से हमें दवाइयाँ फेंकी, बोली ले जाइए और खिलाइए। ऐसे ही एक दो दिन निकलता रहा, जो मेरे हस्बैंड की कंडीशन सही नहीं थी। एक्चुअली उन्हें ऑक्सीजन की भी ज़रूरत थी, क्योंकि उनके लम्स में इन्फेक्शन बढ़ता ही जा रहा था और उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था, इसकी वजह से वो इन्फेक्शन बढ़ता ही गया। फिर एक दिन, तीसरे दिन मेरे हस्बैंड की रात में तबीयत ख़राब हुई, हमने फिर से वहाँ के स्टाफ डॉक्टर थे, हमने उनसे बोला, उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई और हमें संजय गांधी सस्पेक्टेड वार्ड में एडमिट करवाया। वहाँ भी जब गए हम, वहाँ डॉक्टर प्रॉपर, क्योंकि वहाँ सीनियर डॉक्टर आते नहीं है, वहाँ जूनियर डॉक्टर स्टाफ जो था वो ट्रीटमेंट करता था। 4 से 5 घंटे में वो एक बार आते थे, जो उसमें ट्रीटमेंट करके इंजेक्शन वगैरह जो भी होता था वो देकर चले जाते थे। यदि कोई प्रॉब्लम हो, यदि हम उन्हें बुलाने जाएँ तो वो आधे घंटे में बोलते थे, हमें किट पहनना पड़ता है, हमें काफ़ी दिक्कतें होती हैं। फिर हमारी रिपोर्ट भी आई वहाँ, जो हमारी जिला अस्पताल की रिपोर्ट थी वो निगेटिव थी। फिर संजय गांधी में भी हमारे सैंपल लिए गए मेरे हस्बैंड का, वो भी रिपोर्ट जब 2 दिन बाद आई वो भी निगेटिव थी। वहाँ के एक डॉक्टर ने हमसे कहा कि यदि तबीयत उनकी सही नहीं है पर रिपोर्ट निगेटिव आती है तो हमें नीचे ICU वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। जब तीसरे दिन रिपोर्ट निगेटिव आई तो वहाँ के स्टाफ ने बोला कि इनकी तबीयत सही है, रिपोर्ट भी निगेटिव आ गई, हम आपको डिस्चार्ज करेंगे। हमने वहाँ रिक्वेस्ट भी की कि नहीं, आप डिस्चार्ज मत करिए, मेरे हस्बैंड की तबीयत सही नहीं है, उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उन्होंने कहा नहीं। मैंने पूछा कि रिपोर्ट वगैरह क्या आई है, एक्सरे, मेन उसमें एक्सरे रिपोर्ट थी। मैंने उस मैम से पूछा कि एक्सरे रिपोर्ट क्या है, बोले सब अच्छा है, आप घर जाइए, दवाइयाँ ले लीजिए, घर पर इलाज होगा और सारे वहीं से स्वस्थ हो जाएंगे। उन्होंने मेरा डिस्चार्ज पेपर बना दिया और बोला आप घर जाइए। हमने उनसे टाइम भी मांगा, हमारा घर दूर है, 20-25 किलोमीटर है, घर वाले आएंगे गाड़ी लेकर तब हम घर जाएंगे, हमें 2-3 घंटे का वक्त दीजिए। बोले 1-2 घंटे में आप अपनी व्यवस्था कर लीजिए और चले जाइए। उसके बाद फिर हमारे एक अंकल रहते हैं रीवा में, हम वहाँ गए। फिर हमें वहाँ से किसी ने सजेस्ट किया कि आप डॉक्टर राकेश पटेल को दिखाइए। फिर शाम को हम उनके बंगले में डॉक्टर राकेश पटेल को दिखाने गए। उन्होंने पेशेंट की, मेरे हस्बैंड की कंडीशन देखी और उन्होंने जो जूनियर डॉक्टर थे वहाँ, उन्होंने उनको कॉल किया और उन्होंने काफ़ी फटकार लगाई और बोला कि पेशेंट की कंडीशन तुमने देखी थी, तुमने किससे पूछ कर डिस्चार्ज किया। और उन्होंने फिर से हमें संजय गांधी हॉस्पिटल में ICU वार्ड में एडमिट करवाया। अभी आप SDM मैडम से मिली हैं, कलेक्टर साहब से मिली हैं, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बोला है कि हम पूरी हेल्प करेंगे। और फिर वहाँ भी जो ट्रीटमेंट वगैरह, हमारे डॉक्टर राकेश पटेल ने काफ़ी हेल्प की, उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया। वहाँ के जो डॉक्टर थे उन्हें सजेस्ट किया कि आप पेशेंट की
हालत सही नहीं है, आप प्रॉपर ट्रीटमेंट सही से कीजिए। वो दो चार बार देखने भी आते थे, उसके बाद उन्होंने जब शाम को देखने आए तो उन्होंने कहा कि पेशेंट की कंडीशन में सुधार नहीं है, आप कहीं बाहर ले जाइए। उन्होंने हमें सजेस्ट किया हमारे अच्छे हेल्थ के लिए कि आप यदि यहाँ नहीं हो पा रहा आप कहीं अच्छे हॉस्पिटल ले जाइए, वहाँ अच्छे से ट्रीटमेंट होगा, वहाँ सुधार होगा। फिर हम उनके कहने पर उन्होंने कहा कि लखनऊ या तो नागपुर जबलपुर आप कहीं लेकर जाइए। हम जब वहाँ से लेकर एम्बुलेंस की, एम्बुलेंस वाले ने बताया कि हम ना लखनऊ ले जाने के लिए तैयार थे, तो एम्बुलेंस ने बोला कि नहीं आप वहाँ मत लेके जाइए। कल हम वहीं एक पेशेंट को लेकर गए थे, वहाँ एडमिट नहीं किया उन्हें और वापस कर दिया। तो हमारे घर वालों ने कहा कि चल जबलपुर ले जाते हैं, वहाँ मेट्रो हॉस्पिटल है। हमने वहाँ के डॉक्टरों से बात की, उन्होंने कहा ठीक है आप लेकर आइए और हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे। जब हम जबलपुर पहुँचे रात के 2:30 बजे, उन्होंने पेशेंट की कंडीशन देखी और उन्होंने कहा नहीं हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। उसके बाद हम लाइव मेडी सिटी हॉस्पिटल गए, वहाँ 1 से 2 घंटे का ट्रीटमेंट दिया गया और वहाँ एक्सरे करवाया गया। और एक्सरे में जब देखा गया कि काफ़ी लम्स में इन्फेक्शन हो गया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप कोविड की जाँच करवाइए, पेशेंट के लक्षण कोविड के हैं। जबकि उन्होंने हम बताया उन्हें कि कोविड की 2 बार संजय गांधी हॉस्पिटल में रिपोर्ट निगेटिव आई, फिर भी उन्होंने 2 घंटे का ट्रीटमेंट जो दिया और उन्होंने हमसे 40,000 रुपये चार्ज कर लिए। उसके बाद उन्होंने पहले एडवांस हमने से ले लिए थे, उसमें से उन्होंने हमें 14,000 रिटर्न भी किए। उसके बाद हम फिर और कई 2-4 हॉस्पिटल घूमते रहे पर वहाँ किसी ने हमारा ट्रीटमेंट नहीं किया। फिर हम वापस रीवा आने लगे, फिर हमारे एक रिलेटिव है उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप बिलासपुर वासुदेव हॉस्पिटल में कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि ठीक है यदि कोई ट्रीटमेंट नहीं करता तो आप यदि ला सकते हैं तो यहाँ लेकर आइए। फिर हमारी फैमिली ने बिलासपुर के लिए वासुदेव हॉस्पिटल ले गए। हम वहाँ 20 घंटे, 10 बजे रात यहाँ 11 तारीख को निकले थे, दूसरे दिन 12 बजे हम वहाँ शाम 6 बजे पहुँचे। वहाँ हमारे हस्बैंड का प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है पर वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो हम चाहते हैं कि प्रशासन, जिला प्रशासन, CM हमारी आर्थिक रूप से हेल्प करें। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पूजा पांडे, मेरे हस्बैंड का नाम दिनेश पांडे है। और हम ये भी चाहते हैं कि जो यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटलें हैं जो लापरवाहियाँ कर रही हैं उन पर एक्शन लिया जाए। आज ये हमारी बात है पर ये हमारे ऑल इंडिया की प्रॉब्लम है कि हर दूसरे परिवार के साथ यही होता है। इन्हीं सब लापरवाहियों की वजह से कई सारे परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। मेरे हस्बैंड की हालत इतनी गंभीर है, उन्हें ICU वार्ड में रखा गया है। मैं चाहती हूँ कि इन्हें, हमारे MP में लापरवाहियों की वजह से हमें ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। हम चाहते हैं कि सरकार इसमें एक्शन ले ताकि जो आज हमारे साथ हुआ कल वो किसी और परिवार के साथ ना हो। इस खबर में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग TV के साथ। नमस्कार।